नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नगर निगम लखनऊ में लगातार जीआईएस सर्वे की शिकायत के बाद लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हाउस टैक्स को लेकर समाधान दिवस का आयोजन किया। बता दें कि समाधान दिवस हर शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय के द्वितीय तल पर आयोजित होता है। समाधान दिवस में एक ही छत के नीचे टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाधान दिवस में लखनऊ नगर निगम के सभी 8 जोनों के प्रभारी एवं कर अधीक्षक अपनी पूरी टीम के साथ बैठते हैं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। आज 17वीं समाधान दिवस में दोपहर 2 बजे तक कुल 68 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 64 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अब तक लगभग 4200 से ज्यादा की समस्याओं का समाधान किया गया है। लखनऊ नगर निगम में जीआईएस सर्वे की शिकायतों को लेकर के लखनऊ नगर निगम में एक शिकायत समाधान दिवस जो हर शुक्रवार को चलाया जाता है, आज 17वां समाधान दिवस है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ नगर निगम के सभी अधिकारी एक ही हॉल के अंदर बैठे होते हैं और जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं टैक्स से लेकर के जो जीआईएस सर्वे से, यहां पर सभी अधिकारी उसका समाधान करते हैं। अगर बात करें समाधान की तो ये 17वां समाधान दिवस है और लखनऊ की जनता इसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रही है। आप देख सकते हैं कि अंबी बिष्ट मैडम, नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि समाधान दिवस के दिन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। बात करेंगे लखनऊ के जो नगर आयुक्त हैं, उनसे बात करेंगे कि सर आज सर जीआईएस सर्वे समाधान दिवस चल रहा है, किस तरीके से सर चल रहा है, चूँकि ये 17वां है, लगभग कितनी शिकायतों का समाधान किया गया और लखनऊ की जनता को किस प्रकार से इसका लाभ मिल रहा है? ये ऐसा है, देखिए जो 15 मई से ये हमने किया था कि टैक्स से रिलेटेड कोई भी इशू है तो हमारे 8 जोनल ऑफिसर और हमारे एएमसी यहीं बैठते हैं हर फ्राइडे को। तो ये 15 मई से चल रहा है। तो इसमें क्या है कि टैक्स रिलेटेड या कोई और भी प्रॉब्लम है तो एक ही फ्लोर के नीचे हम लोग इसको निस्तारण करते हैं। आज जो है 60 के करीब कंप्लेंट्स आई है और उसमें से हम लोग 50 कर भी चुके हैं। कुछ में फील्ड विजिट मस्ती इसलिए किया है। तो अभी क्या है कि जो नंबर पहले आ रहा था वो घटते घटते, जैसे स्टार्टिंग में जब किया था तो फर्स्ट डे 300+ था, तो अब वो 50-60 पे आ गया है। तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे है कि मैक्सिमम सहूलत नागरिकों को दी जा सके, टैक्स की प्रक्रिया को सिंप्लीफाई किया जा सके। इसमें कुछ चीज़ें हमारे सदन ने भी पास की, हमारे माननीय पार्षद ने भी, तो सब लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत टैक्स का सिस्टम किया जाए। जैसे टैक्स को लोगों को लाभ मिल रहा है, जीआईएस सर्वे में दिक्कत हुई, लखनऊ की जनता इसका तमाम फायदा उठा रही है जो कि चर्चा का विषय भी है, लोग इससे सहूलियत भी मान रहे हैं। ऐसे तमाम जो नगर निगम की समस्याएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरीके से आदेश हुआ है कि एक क्रमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है उनका अभियान चलाकर खाली करा जाए, हालांकि लगातार ये देखा जा रहा है कि नगर निगम लगातार खाली भी करा रही है, तो ऐसे में क्या कोई इस तरह के भी आने वाले समय में कोई अभियान या कोई इस तरह के समाधान दिवस चलाया जाएगा जो अन्य संबंधित जो रिलेटिव जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका भी कोई कार्य योजना बन रही है, जो ज़्यादा शिकायतें हैं उनका भी इस तरह से चलाया जाएगा आने वाले समय में? नहीं, हम लोग अभी चला रहे हैं। जैसे पब्लिक हियरिंग होती है तो हम सुबह बैठते हैं। दूसरा, फील्ड विजिट मस्ट है। माननीय महापौर जी ने भी कल एक लेटर जारी किया है कि सुबह 6 से 8 नगर निगम का कर्मचारी फील्ड में रहेगा। और जैसे भी संचारी रोग है तो जो भी समस्याएं हैं हम लोग फील्ड में जाके निस्तारण कर रहे हैं। जो हमारे स्तर यहाँ से आ रही है उसका कर रहे हैं मॉनिटरिंग, और आने वाले टाइम में हम जो इससे भी ज़्यादा कई स्कीम या स्टेप्स लेके आ रहे हैं जिससे हम लोग मैक्सिमम सहूलत नागरिकों को दे सके। फील्ड विजिट की सर आपने बात की, लेकिन आज ही फील्ड विजिट सुबह की बात है, नगर निगम के तमाम कर्मचारी एरिया घेराव में आ गए, तमाम उनको वो झेलना पड़ा, क्या है सर उसका पूरा मामला, किस तरीके से दिक्कतें आ रही, चूँकि फोर्स भी थी, पुलिस फोर्स भी थी, उसके बावजूद शंकरपुरवा प्रथम का मामला है ये जोन 7 का, उसमें भी आपके सर संज्ञान में क्या था प्रकरण, किस तरीके से कर्मचारियों को वहाँ सुबह सुबह एक मैटर हुआ झेलना पड़ा? अवैध डेयरियाँ जो चल रही है उसको संचारी रोग में हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि गोबर नालियों में आके उसको ब्लॉक कर देता है। सेकंड, उसमें ये रहता है कि वो सैनिटेशन में बहुत इशू होता है क्योंकि हम जो कोर एरिया है जो विस्तारित नहीं है, जहां अब डेयरी नहीं ऑपरेट कर सकते वहां पे हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों ने उसी पे कार्रवाई की थी। एक शिकायत थी, 12 जो स्ट्री एनिमल या जो अवैध डेयरियाँ थी उसको पकड़ा था हमारे जो उसमें जानवर थे। लोकल कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है लॉ ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है, हमने तहरीर दी है, हमारे AMC अभी भी थाने में है, तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सरकारी काम में बाधा डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाए।
निश्चित तौर पर जीआईएस सर्वे का आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ की जनता उसका लाभ ले रही है, और कहीं ना कहीं जो ये 17वां जीआईएस सर्वे था और उसमें लगभग 4000 से ज़्यादा शिकायतों का समाधान किया गया। अगर आज की बात करें तो आज लगभग 60 शिकायतें यहाँ समाधान दिवस में मिली। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, एनवी न्यूज़, लखनऊ। कानपुर के जाजमऊ इलाके में गंगा प्रदूषण एवं जल निगम श्रमिक संघ ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। गंगा नदी के किनारे जाजमऊ इलाके में लगे 3 MLD ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करने वाले कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन जो है नहीं मिला है। इसके विरोध में कर्मचारियों ने टूल डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। कर्मचारी नेता राजकुमार वाजपेयी ने बताया कि 30 अगस्त को अधिशासी अभियंता के कार्यालय में कर्मचारियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में अधिशासी अभियंता का व्यवहार बेहद रूखा था। उन्होंने कहा कि मैं सैलरी नहीं दिलवा सकता हूँ और न आपको ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के लिए कह रहा हूँ और न बंद करने के लिए। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 8 शिक्षकों ने नौकरी हासिल कर ली थी। विभागीय जांच में जब मामला सामने आया तो सभी 8 शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही खंड विकास अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, भनवापुर ब्लॉक में कुछ शिक्षक फर्जी पकड़े गए हैं, सर उसको लेके क्या कार्रवाई की जा रही है? इवन खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की बात की जा रही है, सर क्या है पूरा मामला? 12460 की जो भर्ती जनवरी में हुई थी उसके लिए विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 28 और 29 जून को की गई। पूरे जनपद में 314 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसमें से भनवापुर में 36 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हुआ था, परंतु कुछ शिक्षकों द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी अलाटमेंट लेटर, विद्यालय आवंटन प्रपत्र लेकर के और शिक्षा अधिकारी से मार्क करा करके विद्यालय में जाके ज्वाइन कर लिए। तो 36 के अलावा 8 और शिक्षक ऐसे हैं जो जिनको ना तो जिनकी काउंसलिंग हुई थी, ना जिनकी नियुक्ति हुई थी, ना उनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन जा करके वो विद्यालय में सीधे ज्वाइन कर लिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही है, उनको सूची से मिलान करना चाहिए था, उसके बाद ज्वाइन करना चाहिए था। प्रकरण संज्ञान में आया, उसके बाद पूरे जनपद में जितने 314 टीचर नियुक्त हुए थे उनका पूरा मिलान किया गया। सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी और लेखाकार बुलाया गया, सारी फाइलों का मिलान किया गया तो और किसी ब्लॉक में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी धनवापुर की लापरवाही के कारण 8 फर्जी टीचर्स ज्वाइन कर लिए थे। वो वर्तमान में सब जाँच के दौरान ही को जानकारी हो गई, भाग के विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और खंड शिक्षा अधिकारी के नंबर के लिए शिक्षा निदेशक नोटिस दिया जा रहा है। पंजाब को कृषि बुनियादी ढांचा फंड योजना के तहत वर्ष 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित AIF एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान दिया। बागवानी मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और पूरी AIF टीम को बधाई दी है और इस योजना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। बागवानी मंत्री श्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा और उनके कार्यालय में आज बागवानी निदेशक श्रीमती शैलेंद्र कौर, IFS संयुक्त निदेशक तजिंदर बाजपा, उप निर्देशक हरप्रीत सिंह और AIF टीम लीडर श्रीमती रमदीप कौर द्वारा यह पुरस्कार सौंपा गया। कानपुर सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने हर घर जनसंपर्क अभियान का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में आज महापौर प्रमिला पांडे ने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हर घर जाकर वोटरों से बातचीत की और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे हर घर सदस्यता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कानपुर महापौर प्रमिला
शीला पांडे ने बताया कि हम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के हर वोटर से मिलने आए हैं और हमारा यह अभियान लगातार एक हफ्ते तक चलेगा और हम लोगों की समस्याओं को जानेंगे और हर संभव उन समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। बेटा कार्यक्रम ये है कि ये सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत है, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी है और ये पूर्व पार्षद है, ये वर्तमान में पार्षद हैं, ये पूर्व पार्षद यहाँ की है, अभी है कहीं पार्षद है तुम दिखा दो कि रिटायर हो गई तो हमारे कहने हम यहाँ 780 वोट है, 769 वोट है। हम एक हफ्ते में हर अपने वोटर से मिलना, आज करीब 100-150 का अभी तो आ गए तो 200 वोटरों से मैं मिल चुकी हूँ। अब मैं एक हफ्ते में यहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए, कितने लोग वोटर हैं, कितने लोग नहीं हैं, इसका मैं पूरा खाका 2-3 दिन में बना दूँगी, बना करके संगठन को सौंप। क्या कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहूँगी कि इधर 2-3 बार 4 बार से हम यहाँ नहीं जीत पा रहे हैं, जब से राकेश सोनकर यहाँ से गए हम ये ऐसी विधानसभा नहीं जीत पा रहे हैं। इस बार हम अपने एक एक वर्कर से सबसे प्रार्थना करेंगे, अगर मानो जाने अनजाने में कोई हम लोगों से गलती भई हो तो उसको क्षमा करें, क्योंकि आने वाला समय इस चुनाव से, इस सीट से सरकार का कोई फायदा नुकसान नहीं, क्योंकि सरकार मेरी चल रही है, लेकिन इससे जीतने से एक हम मैसेज देंगे जो अभी जो लोग भुदक रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव में 2-4 सीट पा गए हैं, उनको ये दिखाने के लिए ऐसा नहीं है, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहें। मोदी जी योगी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मैं ये भी कहूँगी अगर जाने अनजाने में मान लो कोई मामला है, मैं तो एक एक लोगों से पूछा और पूरे अपने स्टाफ के साथ आई हूँ, जो रोड है, जो गली है, जो सिविल लाइन है, जो यहाँ नहीं है, वो कोशिश करके हम इसको तुरंत इसमें काम जैसे आज एक महिला ने गली दिखाया, 25 मीटर गली है, उसको मैं अपना मेरा जो विवेक है, मेरा जो कोटा है, उससे मैं कल से उसमें काम लगवा दूंगी। और थोड़ी बहुत जो परेशानी है, कुछ परेशानी तो ये है कि इधर ऊपर, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो अगर उसको ढाई से स्लोप करके बन जाएगा, और सबसे बड़ा ये है कि या तो कहीं मैं कुआँ टाइप बनवाऊँ कि पानी आए तो सब मोटर द्वारा उसमें जाए और उसको मैं खींच करके बाहर मैं बोल दूँ, कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए मैं करना चाहूँ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में उपचुनाव होना है, देखा जाए तो हर जगह प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार और लगातार दावे और कार्यकर्ताओं के बीच नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। कोई भी सीट हो, 10 सीटों में वहां देखा जाए तो कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ता हों या फिर सपा के हों या कांग्रेस के, सभी कार्यकर्ता सक्रिय होने लगे। वहीं कानपुर नगर की बात की जाए तो कानपुर नगर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और लगातार कार्यकर्ता जनता के बीच आने जाने लगे। वहीं इसी दौर पे कानपुर के प्रमिला पांडे, महापौर प्रमिला पांडे द्वारा सभी जो सीट है सीसामऊ विधानसभा उसमें पहुंचकर सभी जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है और जो बीजेपी की सदस्यता की जो सदस्यता दिलाई जा रही है उसको बीड़ा उठाया है कि हर घर पहुंचकर इसका सदस्यता दिलाएंगे, बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे, लगातार वो पहुंचती नजर आ रही हैं लोगों के बीच। वहीं प्रमिला पांडे ने बताया कि इसका बीड़ा मैंने उठाया है और सभी को सदस्यता दिलाएंगे और सबको लगातार आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और इसी बीड़ा को उठाने ते हुए जो सीसामऊ विधानसभा सीट है उसमें जितने घर हैं हर घर पहुंचकर प्रमिला पांडे सदस्यता दिलाने का काम कर रही हैं। देखा जाए तो सीसामऊ विधानसभा सीट बहुत बड़ी सीट है जिसको लेकर नेताओं के बीच चर्चा होने लगी, बैठकें होने लगी हैं। वहीं प्रमिला पांडे भी कई जगह बैठक करती नजर आ रही हैं, जिसको चलते लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और बीजेपी इस सीट को चाहती है कि मेरे पाले में आए और हमारे पाले में आकर इस सीट को हमारे पाले में रहे। देखा जाए तो ये सीट वैसे तो समाजवादी पार्टी के पास हमेशा रही है, कई सालों से समाजवादी पार्टी वहां पर राज कर रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव जो होना है उसमें क्या बीजेपी अपने पाले में कर पाएगी या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन बात की जाए कार्यकर्ताओं की तो कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं
वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से उनकी राय जान रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि बीजेपी पे जोड़िए और सदस्यता भी जारी हो गई है लेना, तो सदस्यता भी ले सकते हैं आप। इस तरह का कार्य चल रहा है सीसोमऊ सीट में और बीजेपी लगातार वहां पर अपने दावे खेल रही है, किस तरह से वोट बैंक अपना बढ़ाएं, इस तरह के हर जगह देखने को मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सीट है और समाजवादी पार्टी इस बार क्या रणनीति अपनाएगी जिसमें बीजेपी को टक्कर दे सके, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। तो फिलहाल के लिए उत्तर भारत में मेरे साथ बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बन रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।